नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़े इंकशाफ की यूयू की टीम ने पटना में मिले जले हुए क्वेश्चन पेपर्स का असल क्वेश्चन पेपर से मिलान किया है। ईयूयू के मुताबिक एनटीए ने कुछ दिन पहले असल क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया है। असल क्वेश्चन पेपर मिलाने के बाद ईयूयू ने इस नतीजे पर पहुंची है कि रोल कोड 6136488 हजारीबाग के ओएसएस स्कूल को ही अलॉट किया गया था। जले हुए क्वेश्चन पेपर और रोल कोड का मिलान असल क्वेश्चन पेपर से कराया गया और ईयूयू ने 145 सवाल मिले जो कि असल क्वेश्चन पेपर से पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। अब इसे जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ईयूयू लगातार एनटीए से क्वेश्चन पेपर की मांग कर रहा था क्योंकि जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर है वो ईयूयू के हाथ लगा था और मिलान करने की बात कही जा रही थी कि जो असल क्वेश्चन पेपर है उसे ईयूयू मिलान करेगा उस जले हुए पेपर के साथ और अगर उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है एक जैसा वो मिलता है तो फिर जाहिरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और अब यहाँ पर 145 सवाल ऐसे हैं जो मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, हूबहू वही सवाल उस जले हुए क्वेश्चन पेपर में। भाग्यपूर्ण है और ये हम लोग के लिए बहुत मतलब शर्म की बात है कि यहाँ का नाम आ रहा है। अब या तो हजारीबाग को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है या तो हजारीबाग में अगर इस तरह के जेन्युइन अगर ऐसे जांच निकले हैं और उसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये भी मैसेज जाना चाहिए कि वो लोग जो जिनसे तार यहाँ पे जोड़ने का काम किया गया वो उसको जो जैसा किया है उसको वैसा सजा मिला है। हनुमंदा प्रशांत झा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, पूरी जानकारी चाहेंगे सवाले से क्योंकि लगातार ईयूयू के जरिए क्वेश्चन पेपर्स मांगे जा रहे थे, क्वेश्चन पेपर मिला है तो बताया गया कई सवालों का मिलान हो पाया है। देखिए, इसमें जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे ये पटना के जो खेमनी चक में जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया गया था, छात्रों को जो मेडिकल के परीक्षा देने के लिए आए थे, उसकी एक सूची तैयार की थी आर्थिक अपराध इकाई ने और उस सूची को भेजा था एनटीए को, लेकिन एनटीए लगभग डेढ़ महीने तक इसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आर्थिक अपराध इकाई से पूरी जांच रिपोर्ट मांगी थी और एडीजी खुद जो नैयर हसनैन खान हैं वो जाकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद एनटीए की तरफ से उनको मूल प्रश्न पत्र दिया गया और जो मिलान किया गया दोनों प्रश्न पत्र और अधजले प्रश्न पत्र में उसमें जितने सवाल थे वो हूबहू मिल गए। देखिए, इसमें जो बायोलॉजी के सवाल थे पूरे मिले हैं, जो फिजिक्स के सवाल थे वो पूरे मिले हैं और जो केमिस्ट्री के सवाल थे वो भी पूरे मिल गए। यानी ये पूरी तरह से साबित हो गया कि ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था और जिसको आर्थिक अपराध इकाई ने बरामद किया था और जो एनटीए का मूल प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल हूबहू हैं। और इसके पहले भी जब छात्र इसमें पकड़े गए थे, परीक्षा देते हुए चार छात्रों ने अपने एक वालिया बयान में कहा भी था कि जो सवाल उनको रटाए गए थे वही सवाल उनको मिले, लेकिन जब आर्थिक अपराध इकाई ने इसकी जांच को आगे बढ़ाया था तो हजारीबाग में ओएसएस स्कूल है और उसी स्कूल से इसके लीक होने की बात सामने आई थी। आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम ने स्कूल के जो मैनेजर हैं, स्कूल के जो ऑनर हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सबसे बात की थी और उसके बाद वहाँ से जो बॉक्स है वो बॉक्स भी वहाँ से बरामद किया आर्थिक अपराध इकाई ने। अब उसको भी एफएसएल की जाँच में भेजा जा रहा है।